हिंदुस्तान में सबसे महंगी महंगी बिजली का रेट मध्य प्रदेश में हो गया अपना मुंह है। तो आप तो हमेशा किसान विरोधी रहे। आज की सरकार के द्वारा मंदसौर में गोली चला दी जाती है किसानों के ऊपर। लगभग डेढ़ महीने से विधायक शिक्षा विभाग की लिस्ट वायरल हो रही है, लगभग सबके पास होगी, वो आपके भी पास होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, मनगर लिस्ट बना लेते हैं, अपने साथ जरूरत रहती है विधायक शिक्षा अनुदान राशि, जो डिमांड है जो उनके पास गया वो राशि पाया। पूर्वांचल में आप कौन कौन सा गांव लाते हैं जहाँ पे सिंचाई है, आप बताइए हमको। अच्छा कोई नहीं, हम लोग भी गरीब हैं, हम दूसरे को। अभी आपकी पार्टी के एक नेता है, वरिष्ठ नेता, टिकट की लाइन में दौड़ रहे हैं, ये गाड़ी में साड़ी लाद लाद के पन्नी में 500 की नोट डाली रहती है, कहते हैं कि हाँ ये पन्नी यहाँ ना खोला जाए, कई बार सामने का घरे ले जाए खोला पन्नी। लाडली बहना नहीं दिखी कोरोना के समय, चार पंच वर्षी से आपकी सरकार है। दिल्ली बिजली सर खरीदती है और अपने लोगों को 300 यूनिट बिजली देती है, ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द खबरदार चैनल के ओपन इंटरव्यू में। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है बीजेपी, कांग्रेस और आप। हमने धान क्यों ही शायरी में बताया था शुरुआत में, बोलने की शुरू बोलना ही शुरू किया था आपने धान से, और धान का जो आरोप आप पार्टी ने लगाया वो भी कांग्रेस पर मढ़ दिया बीजेपी वालों, क्या कहेंगे? ठीक है, हो गया अपना मुंह है खाना चाहिए। मैंने धान की जो चर्चा की, प्रचार हो रहा धान से किसान दे रहे किसानों को अतिवृष्टि और ओला के कारण गेहूँ की फसल चौपट हो गई, उनको 10 पैसे मुआवजा नहीं मिला आपके त्यों था सब हो रहा। उसके बाद पानी ही नहीं गिरा, किसी तरह किसान अपने खून पसीने से सींच के खेती आज तैयार कर लिया है। तो आप तो हमेशा किसान विरोधी रहे। आज की सरकार के द्वारा मंदसौर में गोली चला दी जाती है किसानों के ऊपर, किसान के कितने ही तैसी हैं आप, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है आप, बेरोज युवाओं में टोटल बेरोजगार है, युवा आज परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। आपने युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, न गरीबों के लिए, न मिडिल क्लास फैमिली, किसी के लिए आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके पास भाषणबाजी है और भाषण आप अच्छा दे लेते हैं मोदी जी की, शिवराज सिंह जी। अभी आप इसी डर के मारे मध्य प्रदेश में आप अपना सीएम कैंडिडेट इस बार नहीं हो सकता है, आप होना भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आप नकल कर रहे हैं धीरे धीरे, अच्छी बात है। जैसे आपने कमलनाथ सिंधिया जी की बात की, तो विधायक दल जो होता है वो मुख्यमंत्री का चयन करता है, न कि पार्टी चयन करती है। जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होते, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के साथ में ज्यादा विधायक थे तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तमाम तरह की बातें हैं, आप त्योथर को ले लीजिए, त्योथर में अभी लगभग डेढ़ महीने से विधायक शिक्षा अनुदान की लिस्ट वायरल हो रही है, लगभग सबके पास होगी, वो आपके भी पास होगी। तो उसमें कितने नाम हैं, कितने जरूरतमंदों को विधायक का स्वेच्छा अनुदान मिला है, मुझे तो नहीं लगता है कि एक भी जरूरतमंद आपके त्योथर का हो। और पैसा रीवा चिरौला कॉलोनी उत्तर प्रदेश तक के लोगों को मिला है, आपने दिया है, सिर्फ किसको दिया है, अपने लोगों को दिया है, नात रिश्तेदारों को दिया है जो आपसे जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता भी कोई बता दे कि इनके खाते में आया हो पैसा तो मैं मान लूंगा। हाँ, इनकी मजबूरी है उनकी जी उजूरी करना, नहीं करेंगे तो इनके नंबर कटेंगे वहां पे, जो जितना बढ़िया विधायक जी के बारे में या अपने पार्टी के बारे में बोल लेगा उसका उतना नंबर वहां पे पड़ जाएगा, नंबर कटेंगे। जैसा कि विधायक जो लेकर ये कह रहे हैं
विधायक निधि का बता रहे हैं कि दुरुपयोग, क्या कहना चाहिए? जिसको जहाँ जरूरत रहती है विधायक शिक्षा अनुदान राशि, जो बीमार है जो उनके पास गया वो राशि पाया। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है मनगढ़ंत लिस्ट बना लेते हैं अपने से, भाई लिस्ट सरकारी अगर लिस्ट है तो बताएं, कलेक्टर की सिग्नेचर हो, संघीय विभाग के सिग्नेचर हो, उसमें विधायक जी को मुकदमा कायम करवाना चाहिए कि ये फर्जी लिस्ट है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैं खुद ही अपने पंचायत में ये अगर ऐसा है कि साफ साफ झूठा आरोप है विपक्षी लोगों का, और कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और मैं खुद ही हमारे मझगवा पंचायत में आवश्यकता अनुसार लोगों को, मैं 5 लोगों को और अति गरीब लोगों को मैं अनुदान दिलवाया, मेरे पास छोटे भाई हो जी भैया। कुल मिला के ये जो लिस्ट है आप पर बोल रहे हैं कि फर्जी है, इसको किसने डाला था, किसके पेज से डाली थी आपको पता है? आप, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके ही भाजपा नेता ने, बड़े नेता ने आपके से उतर के ये लिस्ट डाली थी। उसके बाद उन्होंने पहले तो वाहवाही में डाला कि इतने लोगों को विधायक निधि मिली है, लेकिन जब वो लिस्ट सामने आई तो सब लोग उसको देखना शुरू किए तो उल्टा हो गया काम। तो अब आप यही बोलेंगे कि वो फर्जी लिस्ट है, अगर फर्जी लिस्ट है तो आप मुकदमा कायम करवाइए, मैं बोल रहा हूँ कि वो फर्जी लिस्ट है तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवाइए। नहीं, जैसा बोला जाता है कि सिर्फ अन्य लोगों को दिया गया, तो मैं मेरे पंचायत में अपने पंचायत में जांच का विषय है काम करने के नियम से पुलिस वो कहाँ से जारी हुई उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, वो एक अलग विषय है। और जहाँ रही विधायक जी की बात, वो 15 महीने के जो कांग्रेस कार्यकाल को छोड़ के और कोरोना कार्यकाल को छोड़ के आप तमाम विकास की बातें जो हो रही हैं तो देख लीजिए, वो धरातल पे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो सीएम राइट हो, चाहे वो पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जो पूर्वांचल के अंतिम छोर तक पहुंचाने का विकास विधायक जी ने भागीरथ प्रयास किया और उस पर टेंडर हो चुका है, वो कार्य सब लगे हुए हैं, हो सकता है साल में पूरे हो जाएंगे। पूर्वांचल आपकी पूर्वांचल में आप कौन कौन सा गांव मानते हैं जहां पे सिंचाई है आप बताइए हमको? पूर्वांचल में पूरा बरहो पार, पूरा बरहो पार का एरिया एक बूंद पानी नहीं पहुंचता है, वहाँ के लोगों ने चिल्ला चिल्ला के खंभा से ककरार तक की नहर अभी स्वीकृत हुई है, पाइप आप करीब करीब वहाँ से जो और मैं अपनी व्यक्तिगत बात यदि अपने क्षेत्र की बात करूं तो इसी नहर, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये नहर बन के वहां तक खंभा तक पहुंची, इसके बाद आते जाते आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा वहां की पूरी तरह से गरीबी भाग गई और आज वहां पर किसानों की स्थिति पूर्व से बहुत अच्छी बेहतर तरीके से है। दो तीन मुद्दों, गरीबों का मजाक उड़ाना आप लोगों से अच्छा कोई नहीं, हम लोग भी गरीब हैं, हम दूसरे को अभी आपकी पार्टी के एक नेता है वरिष्ठ नेता टिकट की लाइन में दौड़ रहे हैं, ये गाड़ी में साड़ी लाद लाद के रीवा से आते हैं और जाएंगे पन्नी में 500 की नोट डाली रहती है, कहते हैं कि हाँ ये पन्नी यहाँ ना खोला जाए, कैमरा के सामने का घरे ले जाए खोला पन्नी। फर्जी भाई बनते हो आप राखी बंधवा के, जनता की सेवा करने को होता है तो आप रीवा में बैठे रहते हो, चुनाव आ गया तो करोड़ों रुपए की साड़ी आप बांट के, क्या आप सोचते हो कि हमारे यहाँ की महिलाएं आपकी एक साड़ी में बिक जाएगी? आपको लाडली बहना नहीं दिखी कोरोना के समय? 4-5 वर्षीय से आपकी सरकार है, कब लाडली बहना? आपने जो सवाल उठाया मैं उस पे बात करता हूँ, आपने कहा पूर्वांचल में विकास हुआ, मैं भी उसी क्षेत्र में आता हूँ, मेरे क्षेत्र में बिजली की ये गति है अभी आई और गई, आपके यहाँ बिजली बहुत कम मिली, ऐसे में किसान क्या करेगा? जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों से ही जुड़ा हुआ है, जब आप ही ये बात बोल रहे हैं कि अल्प वर्षा हुई तो उसके कारण है बिजली की समस्याएं, ओवरलोड की समस्याएं, कहीं ना कहीं किसानों पे लोग बोलते हैं कि जो विदाउट फिर से नहीं जाना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पार्टी के मुद्दे पर
पूरी हो जाने दें जी। आप पार्टी का अन्ना जी के आंदोलन से आज अन्ना जी कहाँ है इसके विषय में क्यों आम आदमी पार्टी आज तक एक भी बार कभी अन्ना जी अभी एक देखिए ये बार बार मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं इनके पास कोई बातचीत नहीं है। ये बिजली के विषय को लेके बात कर रहे थे। मैं अपने सभी काबिल भाजपा साथियों से बात करना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती। मध्य प्रदेश से दिल्ली बिजली सर खरीदती है और अपने लोगों को 300 यूनिट बिजली देती है, ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति मैंने आपके ये क्यों नहीं दे सकते आपके व्हाट्सएप में वहाँ आप बिजली की बात कीजिए ना, आप बिजली की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।